हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प जायका। आज बनाने जा रहे हैं डोसा की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने बॉईल की हुई ये आलू लिए जिनको मैंने छील लिया है। यहाँ लिए दो मीडियम साइज प्याज, 4 से 5 लिए हरी मिर्च। यहाँ लिए मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर। यहाँ लिया मैंने कड़ी पत्ता, 7 से 8 पत्ती ली है। यहाँ 1 चम्मच लिए आमचूर पाउडर। यहाँ लिए है ड्राई और 1 चम्मच लिए है जीरा। यहाँ लिए मैंने 1 चम्मच नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई। अब इसमें डाल देंगे हम ऑयल 2 चम्मच। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम डाल देंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च और इसको हम चला लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो गई है तो अब हम डाल देंगे कटे हुए ये टमाटर, उनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं प्याज और टमाटर, तो अब हम डाल देंगे इसमें मैश किए हुए आलू। तो 1 चम्मच नमक, मिर्च पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच लिया मैंने हल्दी, और ये डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और इसको 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से ढाँक के पका लेंगे। इसको हम अच्छे से चला रहे हैं अभी। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैंने इसको पका लिया है, ये बन गई है। अब मैं ऊपर से धनिया डाल दूंगी, धनिया की पत्ती। ये देखिए कितनी अच्छी चटपटी सी स्टफिंग बन गई है। ये देखिए कितनी अच्छी सी डोसा स्टफिंग बन गई है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए डोसा स्टफिंग बन गई है, तो आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिलचस्प जायका।